मध्य प्रदेश सरकार का अनुपूरक बजट आया हुआ था लोकसभा चुनाव की वजह से। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और अब मध्य प्रदेश सरकार का पूर्ण बजट आने वाला है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है और इस वक्त मेरे साथ में उद्योगपति भी हैं। बातचीत करेंगे इनसे कि इस बार के बजट से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। योगेश मेहता जी हैं, AIMP के अध्यक्ष हैं और शुरुआत इन्हीं से करेंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है, सारी इंडस्ट्रीज जो है इंदौर में चलती हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत कुछ इंदौर पर निर्भर रहती है। इस बार के बजट से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार ने बजट के दो दिन पूर्व इस वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो मुख्यमंत्री जी का हम लोग अभिनंदन करते हैं। अब चूँकि उद्योग वर्ष घोषित किया है तो उद्योगों की देखभाल भी हमें उनके बच्चों जैसी हमें करना होगी। सरकार को हमारे कई औद्योगिक क्षेत्र ऐसे जो आज भी सड़क बिजली पानी से पीछे हैं, उनमें किसी अधोसंरचना के लेकर बहुत समस्याएं हैं। जैसे पालदा औद्योगिक क्षेत्र, वहां पर इकट्ठा हम एक पैकेज की मांग कर रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए का वहां पर एक पैकेज दिया जाए, जिससे सारी सड़कें, ड्रेनेज, नालियाँ, बिजली, सब तरह की व्यवस्थाएँ वहाँ पर सुचारू रूप से हो पाए। इसके अतिरिक्त अब नए उद्योगों को विस्तार के लिए जो 50-50 साल पहले जो औद्योगिक क्षेत्र बने थे, अब नए औद्योगिक क्षेत्र, चूँकि इंदौर एक आर्थिक राजधानी है और इंदौर मध्य प्रदेश में लगभग 50-60% राजस्व का हिस्सा देता है मध्य प्रदेश को, तो यहाँ पर उद्योगों की गतिविधियों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तेजी रहती है, तो इन गतिविधियों का लाभ लेना चाहिए। इसके लिए जगह की बहुत कमी महसूस की जा रही है। नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास इंदौर के आसपास में हो। इंदौर का पूर्वी रिंग रोड बन रहा है, उस जो एक आउटर रिंग रोड, उसके आसपास की ज़मीनों में औद्योग के लिए जमीन चिन्हित करना चाहिए। किसानों से अगर हम जमीन लें तो किसानों का भी नुकसान ना हो, उनके साथ मिलाकर विकास के पहिए में अगर एक तरफ उद्योग का पहिया है तो दूसरी तरफ किसान का पहिया लगना चाहिए, तब ये सरकार का पहिया, सरकार की गाड़ी ठीक से चल पाएगी। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करें। रोजगार को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। जो प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो विजन नज़र भी आ रहा है? वो विज़न बिल्कुल नज़र आ रहा है। जैसे इंदौर को लेके उनकी बहुत अच्छी विज़न है और उनको उन्होंने ये देखा है कि पूरे प्रदेश में जो कोर स्ट्रेंथ है वो इंदौर में है इंडस्ट्रीज़ को, तो वो इंदौर, उज्जैन, देवास, पीतमपुर, धार, इन सबको मिला के एक पूरा सर्किट बना रहे, एक NCR टाइप की गतिविधि बना रहे हैं। उसमें बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र अब नए निर्मित होंगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी निवेश यहां पर आएगा, तो आने वाले दिनों में इंदौर, दुबई और सिंगापुर को भी पीछे रखेगा, ऐसा हम मोहन यादव जी के सपनों को देख पा रहे हैं। क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, सरकार से उम्मीद है, जो पहली उम्मीद है पूरी कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम चाहते हैं कि उद्योगों में पीने के पानी की एक व्यवस्था की जाए, क्योंकि उद्योगपति तो अपने हिसाब से अपने घर से पानी ले आता, लेकिन एक मजदूर के लिए तो हमें चाहिए पानी, 1,000-2,000 लीटर पीने के पानी की व्यवस्था हो। और कुछ जैसे हम लोन लेते हैं तो उसमें जैसे पहले 7% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका था, अब वापस ये 10-10.5 जा चुका है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट सब्सिडी चाहेंगे। तो ये मोहन सरकार आई है तो हम कुछ ना कुछ तो मांगेंगे ही सही। हमारे मोहन भैया हमारे उज्जैन के ही है, महाकाल नगरी के, उनका काम है देना और वो दे के रहेंगे। जब भी कोई बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है, वहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए जो छोटी इंडस्ट्रीज, मिनी एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए भी अलग से स्पेस का प्रोविज़न होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो आसपास की छोटी जगहों पे, प्राइवेट लैंड पे वो अपना एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो वो जो एरिया स्टार्ट होता है 1,000 स्क्वायर फीट से 1,500-2,000 स्क्वायर फीट तक की जिनकी छोटी यूनिट्स हैं, तो बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के पास में इनके लिए जो वो बड़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं उसके लिए अलग से बजट प्रोविज़न होना चाहिए। और इस पूरे पॉलिसी में अगर कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है तो उसके साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए छोटे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी प्लेसेस का प्रोविज़न होना चाहिए। सर, आप टेक्सटाइल से हैं, क्या है उम्मीदें आपकी? जी, उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, मगर दो प्रमुख चिन्ह हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो हुआ कि सारे उद्योगों पे जो अभी संधारण शुल्क लग रहा है, थोड़ा सा अगर उसके अंदर गवर्नमेंट कोई रियायत दे सके, स्टेट गवर्नमेंट, तो एक मेरी ये डिमांड है पर्सनल लेवल पे कि अगर छोटे उद्योगों को आप प्लॉट साइज़ के हिसाब से उनको थोड़ा बाइफर्केट करके कि भैया हाँ ये छोटे उद्योग हैं, इनको थोड़ा सा रियायती उद्योग संधारण शुल्क वसूलें। और दूसरी मेरी एक डिमांड है कि मैं टेक्सटाइल सेक्टर से हूँ, टेक्सटाइल के अंदर हमें एक सब्सिडी मिलती है पावर के ऊपर,
मगर वो पावर सिर्फ पावर लूम के अगर यूज़ होता है तो, मगर आज फिनिश प्रोडक्ट का ज़माना है, सिर्फ आप पावर लूम को अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं उससे नहीं चलेगा, टेक्सटाइल वैल्यू चेन को पूरी सब्सिडी मिले तो उससे उद्योग 10 गुना और प्रोग्रेस कर पाएंगे। अभी ये सब्सिडी मिल रही है मगर इसका होराइजन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे स्पिनिंग, स्टिचिंग, वीविंग, प्रिंटिंग सभी के अंदर वो सब्सिडी मिले, साइजिंग, तो वो उसका रिजल्ट 10 times एक्स्ट्रा मिलेगा। बिल्कुल 10 times अरुण जी। जी मैं तो, सरकार तो काफ़ी कोशिश कर रही है, जैसा माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि ये उद्योग वर्ष योजित किया है, पर अगर उद्योगों को सही लाभ मिले, अगर उद्योग को चलाना है और बढ़ाना है तो उद्योगों को मार्केटिंग के लिए, तो मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि सन 2015 में ही एक सरकार की स्टोर परचेज पॉलिसी आई थी जिसके तहत सरकार ने कहा था कि अपने यहाँ सरकार में जो भी सामग्री लगेगी वो 40% प्रदेश के ही उद्योगों से ली जाएगी, MSME से, पर उस पॉलिसी का 1 रुपया भी, चाहे 1% भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो मेरा तो सरकार से मानना है कि इस बार उस बजट में उसके लिए प्रावधान किया जाए और उसे कंपल्सन किया जाए कि कैसे भी करके जो भी सामान लगता है प्रदेश में या कहाँ, उसे MSME से ही लिया जाए। 40% तो एक MSME के लिए बिना कुछ करे ही बूस्ट, आप किसी दूसरे से ले रहे, इससे अपने से क्यों नहीं ले रहे, तो वो लहेंगे। दूसरा सर, देश ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कहने को कहा है, आरक्षण दिया है, पर प्रदेश में एक भी महिला उद्यमी के लिए कोई भी इंडस्ट्रियल पार्क या इंडस्ट्रियल वो नहीं है। आज जो भी इंडस्ट्रियल पार्क की बातें हो रही है वो शहर से 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर जा रही है। एक कामकाजी महिला, घरेलू महिला कैसे 60 किलोमीटर जाके अपना कुटीर उद्योग चलाएगी। तो मेरी सरकार से ये भी डिमांड है कि शहर के पास ही, चाहे वर्टिकल लेवल गाला सिस्टम से सरी के औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए जाएँ जो सिर्फ महिलाओं के लिए हों, जो महिला अपना कुटीर उद्योग चला के स्वावलंबी बनना चाहती है। मेरी सरकार से यही दो अपेक्षा, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि सरकार इसको लागू करेगी। सर, कहीं कहाँ कुछ खामियां नज़र आ रही हैं आपको, अगर बजट की हम बात करते तो? मैं ये चाहूँगा कि देखिए, हम अगर कृषि की ज़मीन या किसी और ज़मीन पे नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की विजन ले रहे हैं, उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग औद्योगिक क्षेत्र हैं अगर उनमें बहुत सारी इंडस्ट्री बंद है, सिर्फ पॉलिसी ये है कि लीज होल्ड की ज़मीन है, अगर सरकार इसको फ्री होल्ड करे तो जिस तरह से जो एंट्री करना चाहता है वो एंट्री कर सकेगा, जो एग्ज़िट करना चाहता है वो एग्ज़िट कर सकेगा, और नई भूमि को ख़राब करने के बजाय शहर की ये जो इतनी महंगी भूमि है या जो अभी जो डेवलप्ड औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें बंद इंडस्ट्री होने के बजाय एक चलती हुई हेल्दी इंडस्ट्री मिले, जो बंद है, जिसका कि कोई बैंकिंग को या किसी को कोई बकाया कुछ नहीं है, तो उसको स्वतंत्रता इस तरह की मिल जाएगी सिर्फ एक इस पॉलिसी में चेंज करने से, तो उद्यमिता को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा क्योंकि एंट्री एग्जिट दोनों फ्रीली चाहिए। नमस्कार जी। जैसा कि कल 27 तारीख को हमने MSME दिवस मनाया और इस साल की थीम है सूक्ष्म और लघु उद्योग, विकट परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियों में भी सतत आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लचीलेपन को उपयोग करके गरीबी उन्मूलन किया जाए, ऐसा सरकार का मानना है। इसके लिए मैं फुटवेयर से हूं, मैं फुटवेयर की ही बात करूंगा, बाकी सारी बातें हो चुकी है, टेक्सटाइल की हो गई, फुटवेयर की। फुटवेयर में इंदौर सेंट्रल इंडिया का काफ़ी अच्छा हब है, रिसाइकल फुटवेयर, चाहे PVC बरसात के जूते, उसके लिए मैं चाहूँगा स्किल्ड लेबर की जो कमी है उसको सरकार दूर करे, MMSKY मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को क्रियान्वयन अच्छे से किया जाए, जिसमें एक फुटवेयर सेक्टर का भी विशेष ध्यान रखा जाए। फुटवेयर सेक्टर आज लेबर ओरिएंटेड सेक्टर है जिसमें काफ़ी अच्छा रोजगार सृजन होता है, परंतु भूमि जगह की आवश्यकता काफ़ी है, जगह छोटी है लोगों के पास, और किराए पे फैक्ट्रियां चलाने पे शेड में मजबूर हैं। उसके लिए फुटवेयर क्लस्टर की मांग हमारी 2 साल से सरकार से निरंतर बातचीत चलती रह रही है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, आचार संहिता के कारण अटकी हुई है। हम चाहेंगे सरकार से फुटवेयर के अलावा अन्य क्षेत्र जैसे रिसाइकल भी है, उसके लिए ज़मीन की उपलब्धता कराई जाए, क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री को डेवलपमेंट किया जाए, जैसा चाइना में होता है, क्लस्टर बेस्ड इसका डेवलपमेंट किया जाए, जिससे कॉस्ट और लेबर दोनों की बचत होगी, लेबर भी स्किल्ड अपने आप जल्दी होगी। और फुटवेयर के लिए मैं कहूँगा इसका क्लास अलग किया जाए, इसको हमेशा टेक्सटाइल्स एंड फुटवेयर के साथ जोड़ा जाता है, इस क्षेत्र में फुटवेयर के लिए कोई योजना अलग से निर्धारित नहीं हो पाती है,
पहला शब्द जो टेक्सटाइल आता है उसी में सारे मद में खर्चा चला जाता है, सरकार का फुटवेयर अछूता ही रह जाता है। कहने को तो दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, वस्त्र हैं, टेक्सटाइल एंड फुटवेयर दोनों ही हैं, परंतु सरकार को उस और गंभीरता से विचार करके फुटवेयर के लिए बजट प्रॉपर अलोकेट करना चाहिए, लेबर स्किल्ड लेबर के लिए। धन्यवाद। ये थे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के उद्योगपति और उन्होंने बताया कि इस बार के बजट से उन्हें क्या कुछ उम्मीद रहने वाली है। बीटू जर्नलिस्ट डल्ला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।